أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت 17ویں سورے کی پہلی آیت سورہ مبارکہ اسراء یا قصیدہ معراجیہ کا مطلع ہمارا عنوان سخن ہے دیوان وحی الہی میں جو نعتیہ قصیدے ہیں یہ قصیدے بڑی توجہ چاہتے ہیں رب اکبر نے اپنے بندے کو معراج پر لے جانے کا تذکرہ کیا ہے اور معمولی انداز سے نہیں کیا ہے بلکہ خود ناز فرمایا ہے معراج کا مضمون معراج کا موضوع بہت اہم ہے اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کل میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کا کوئی بھی مضمون کوئی بھی موضوع کوئی بھی لفظ کبھی بھی غیر اہم نہیں ہوگا چنانچہ معراج کے موضوع کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ حضور کی ایک فضیلت ہے اب 21ویں صدی میں اس فضیلت پر کیا گفتگو کی جائے یہ رکاکت فکر ہے رکاکت بھی کچھ چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے مگر جو لطیف طبیعتیں ہیں جو لطافت سخن سے مانوس ہیں جو لطافت فکر و خیال کی پروردہ ہیں ان کے لیے تو یہ الفاظ بھی بہت ہوتے ہیں سبحان اللہ مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے اس کا ایک مصرع صرف ذکر کروں گا اگر انسان کے حواس بیدار ہوں تو الفاظ کا بڑا وزن ہوتا ہے چنانچہ کہنے والے نے کہا ہے کہ میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا عمدن چونکہ شعر غزل کا ہے ہم نعتیہ گفتگو کر رہے ہیں اگرچہ
नात की तशबीब में इश्क व मोहब्बत के तज़किरे की इजाज़त दी गई है, तशबीब में, तमहीद कलाम में। आज के किसी शायर में हिम्मत नहीं हो सकती कि हुजूर के लिए नातिया कसीदा कहे और उसकी तशबीब में, तमहीदी अशार में किसी मजाजी इश्क का तज़किरा करें। मगर वो यादगार और लाजवाल अजमत का नातिया कसीदा जो ख़ुद हुजूर की बारगाह में उनके सामने उनकी खिदमत में नज़र किया गया, कसीदा बानत सुआद, ये सुआद किसका नाम है? ये सुआद, ये एक इश्किया दास्तान ज़िक्र की है शायर ने, और उसके बाद फिर जो हुजूर का कसीदा कहा है, लाजवाल अजमत का कसीदा है। बहरहाल ये रेफरेंस के तौर पर इसलिए मैंने गुजारिश कर दिया कि शेर व सुखन पर शरीयत की पाबंदियाँ उस तरह नहीं आयद होतीं जिस तरह बाज़ हज़रात आयद करने की कोशिश करते हैं। यूं तो हर कलिमा जो ज़बान से अदा हो, हर लफ्ज़ जो कलम से मुर्तसिम हो, तहरीर किया जाए, उसका हिसाबो किताब है। लेकिन ये हिसाबो किताब नियतों पर मौकूफ़ है। इन्नमल अमालो बिन्नियात, नियत पर मौकूफ़ है कि किस नियत से कोई बात कही जा रही है, कस्द क्या है, इरादा क्या है, हदफ क्या है, मकसद क्या है। देखिए, जब लताफत ज़ौक़ पैदा हो जाती है तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि एक लफ्ज़ भी बड़ी अहमियत रखता है। कल इख्तिताम मजलिस में एक वाक़या पेश आया, मैंने मेंबर, आज मुझे एक सवालनामा दिया गया, वजाहत मेंबर से तलब की गई है और मैं समझता भी हूँ कि मेंबर से वजाहत की जानी चाहिए ताकि किसी किस्म का इबहाम बाकी न रह जाए, कोई इश्तबाह बाकी न रह जाए, फ़िक्र में कोई उलझन, अकीदे में कोई उकदा बाकी न रह जाए। इसलिए याद रखें कि हर सुखन मौका हो, हर नुक्ता मकामे दारद, हर बात का एक महल होता है, हर बात के ज़िक्र करने का एक महल होता है। मैंने अभी खुतबा पढ़ा आपके सामने, हमद इलाही नात पर, नात हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत पर दरूद, और उसके बाद मेरे खुतबे का आखिरी और अहम जुज़ था लान, वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइद्दीन, है ना? रोज़ सुनते हैं खुतबा आप। अब अगर मैं मिंबर पर बैठकर कुछ ना पढ़ूँ, खुतबे से लेकर और इख्तिताम मजलिस तक सिर्फ लान पढ़ता रहूँ, कैसा लगेगा? तवज्जो है। जिस वक्त फ़ज़ाइल पैगंबर बयान हो रहे हैं, फ़ज़ाइल मौला अली बयान हो रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान हो रहे हैं, वहाँ आपकी जुरअत कैसे हुई कि एक नजिस नाम की तरफ जहन चला गया? ये क्या बदज़ौकी की बातें हैं? एक लताफत है, सो जिक्र का एहतराम है, पाकीज़ा नामों के साथ एक नजिस नाम लिया जा रहा है और उसके बाद वजाहत की जा, इसमें लान न भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए? इसे लान नहीं, मजलिस जिक्र हुसैन है। ये मजलिस जिक्र अहले बैत है,
ये मजलिस ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक यजीद मलऊन है, और जो यजीद पे लान ना करे वो भी मलऊन है। लेकिन हर चीज़ का एक महल होता है, हर चीज़ का एक महल होता है। ये नाम गरा गुजरता है मुझे, ये नाम इसकी कसाफत पूरे माहौल को कसीफ बना देती है। जिक्र की हुर्मतों का तो लिहाज रखें, हर चीज का महल है, कतअन ममनू नहीं है। लेकिन जो बात मैंने कही थी उसे भी समझें। मैंने अर्ज किया था कि तबर्रा हमारे दीन में है, दीन खुदा में है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पहला जुज तबर्रा है, लेकिन तबर्रा करने की चीज है। तबर्रा करना वाजिब है, कहना वाजिब नहीं है। कहना तो मजबूरन पड़ता है, जब कहीं ये नाम आ जाए तो मजबूरन कहना पड़ता है। वो तमाम काम जो दुश्मनान अहले बैत करते थे न कीजिए, यह है तबर्रा। दुश्मनान अहले बैत ने अहले बैत की मीरास गस्ब की, बेटी को मीरास से महरूम किया। आपके मुआशरे में बेटियों को बराबर से देते हैं? पाकिस्तान के इस्लामी मुआशरे में, मोमिन मुआशरे में, शिया मुआशरे में कहीं कोई बेटी महरूम तो नहीं रह जाती? कहीं कोई बहन महरूम तो नहीं रह जाती? और अगर रह जाती है तो फिर लानत का मिसदाक कौन होगा? यजीद शराब खार था, मोमिनों में कोई शराब तो नहीं पीता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी इस बात पर अफसोस करते रहे कि जब मैं दरबार में दाखिल हुआ हूं तो यजीद शराब के नशे में था और ताज़ा ताज़ा शेव करके बैठा था। कोई शेव करने से परहेज तो नहीं करता? बुराई से नफरत करो, बुराई से दामन बचाओ, बुरों की हिदायत करो, और जो बुराई में डूब चुका हो उसकी उससे नफरत करो। उस पर खुदा की लानत है, रसूल की लानत है, अइम्मा की लानत है, मलाइका की लानत है, मोमिनीन की लानत है। मगर हर गुफ्तगू का एक महल होता है। एक सलावत पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले। ज़िक्र ज़िक्र मेराज है, आपका ज़ौक़ तबीयत भी तो मेराज पर होना चाहिए। अगर तबीयतों में इर्तिका नहीं है, अगर शऊर अदब में, शऊर तहज़ीब में इर्तिका नहीं है, अगर उसमें बुलंदी नहीं है, तो फिर ये तज़किरे क्या तासीर पैदा कर रहे हैं, क्या तासीर पैदा कर रहे हैं? मेराज का मौज़ू बहुत अहम है, इरफानी एतबार से भी, दीनियाती एतबार से भी, तारीख़ी एतबार से भी, क़ुरानी एतबार से भी, रिवाई एतबार से भी, बहुत से एतबारात से मेराज का मौज़ू अहम है। और इतना ही अहम है कि रब अकबर ने क़ुरान मजीद में नक़ल फरमाया है। इस मौजू का हक अदा नहीं होगा जब तक कि कुछ फलसफियाना बहसें दरमियान में ना आए, कुछ तारीखी बहसें दरमियान में ना आए, कुछ अदबी बहसें दरमियान में ना आए, और कुछ दीनियाती हवाले दरमियान में ना आए। आपको मालूम है कि तफसील किताबों में क्या कुछ लिखी गई है मेराज के बारे में? कुछ लोग एक मेराज से के तस्करे से उलझ जाते हैं। मशहूर मारूफ आरिफ
सदरुद्दीन ऊनवी वो लिखते हैं कि 34 मरतबा हुजूर मेराज पर तशरीफ है। और हाफिज़ इस्फहानी ने, मुहद्दिस इस्फहानी ने इसे इन रिवायतों को नकल किया है। कुछ हजरात 30 मरतबा मेराज के कायल हैं, कुछ हजरात सिर्फ 2 मरतबा मेराज के कायल हैं, कुछ हजरात 120 मरतबा मेराज के कायल हैं। ये सिर्फ नकल कौल कर रहा हूँ अभी, ये सब किताबों में अक़वाल मौजूद हैं और इस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। मुझे हुजूर के वहाँ जाने पर ताज्जुब नहीं है, यहाँ आने पर ताज्जुब। जो जौहर जहाँ का होता है पलट पलट के वहीं जाता है। ये नूरे मलकूती, ये नूरे लाहूती, ये नामूस लाहूती, ये नूर इलाही, हमें तो इसके खाकसाराना जहूर पर हैरत है। जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा इल्म किसी में आ जाए, इल्म कहाँ है, इल्म किसी में नहीं, थोड़े से मालूमात कोई शख्स जमा कर ले, थोड़ी सी मालूमात हो किसी को तो फिर ज़मीन पर कदम रखना उसके लिए मुहाल होता है। थोड़ी सी दौलत व सरवत आ जाए तो फिर देखिए कज कुलही का आलम क्या होता है। ज़रा सी समाजी इज्जत आबरू और वजाहत हासिल हो जाए फिर गर्दन कुलुफ्तगी देखिए कैसी होती है। और जब किसी से मोहब्बत से बात भी करते हैं तसन्नों के साथ तो किस तकल्लुफ से कहते हैं कि देखिए मैं कितनी खाकसारी बरतता हूँ। ये कहलाता है कि दिल में खाकसारी है नहीं। तवाज़ो तवाज़ो नहीं, तकल्लुफ महज है। हम क्या खाकसारी बरतेंगे, बहुत पहले मैंने ये जुमला कहा था, हम क्या खाकसारी बरतेंगे, जो खुद खाक हो वो क्या खाकसारी बरतेगा। ये कलिमा सिर्फ़ एक जगह अपने सही सियाक व सबाक में मानी देता है, जब अल्लाह के नूरी बंदों के लिए तज़किरा होता है। थे तो वो नूरी मगर हमारी खातिर उन्होंने खाकसाराना ज़ुहूर इख्तियार कर लिया। देख के मालूम होता था हमारे ही जैसे बशर हैं, और आज तक लोग इसी धोखे में हैं कि हमारे जैसे थे। और उस ज़माने में लोग हैरत करते थे और समझते थे कि मुस्तफ़ा यतीम अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुर यतीम अब्दुल्ला, ये क्या हकीकत है, ये क्या वजूद है, ये क्या हस्ती है। हैरत होती थी जब गुजरते थे रास्तों से। क़ब्ले बिअसत दरख्तों से आवाज़ आती थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थरों से आवाज़ आती थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हैरत है उस मुसलमान पर जो पत्थर भी बनना नहीं चाहता। मुझे गालिब का मतला याद आ रहा है, वही मतला जिसमें गालिब ने कहा है कि खाक ऐसी जिंदगी पर के पत्थर नहीं हूं मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं।
मालूम है ये किस गज़ल का मतला है? इस गज़ल के तीन शेर ऐसे हैं जिस पे कई शारहीन गालिब ने कहा है कि वो नातिया आशार हैं। मौलाना नज़म तबातबाई, मौलाना हसरत मुहानी और मुतअद्दिद शारहीन ने, कुछ ने इख्तिलाफ़ भी किया है, ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है, लेकिन कुछ शारहीन ने कहा है कि इस गज़ल में तीन अशार ऐसे हैं जो नातियाँ हैं। वैसे इनके बारे में शुबा हो या ना हो, लेकिन वो शेर बहरहाल वो मक्ता बेशुबा है जिसमें गालिब कह गए कि उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शह के गालिब गुम्बदे बेदर खुला। ये मेराज का जिक्र है गालिब के मक्ते में, ये मेराज का मजमून है। वास्ते जिस शह के गालिब गुम्बदे बेदर खुला। बहरहाल मैं तो जिक्र ये कर रहा था कि हुजूर जब गुज़रते थे तो पत्थर कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कितनी करामतें, कितने मौजज़ात, कितने फ़ज़ाइल, कितने मनाक़िब ज़ाहिर होते थे। सरापा नूर हस्ती थी, लोगों की आँखें खीरा हुई जाती थीं, बुत परस्तों का बस नहीं चलता था कि उन्हें सजदा करें, हैरत और बढ़ जाती थी जब वो सजदा करने से मना करते थे। हैरत और बढ़ जाती थी जब वो सजदा करने से मना करते थे, नहीं मुझे सजदा ना करो, हराम है, सजदे के शायान शान कोई और ज़ात है, मैं उसका आब्द हूँ, मैं उसका बंदा हूँ। हैरत जब बहुत बढ़ती थी, कुछ समझ में ना आता था उस ज़माने के मुआशरे बशरी को, तो कहलाया गया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम। कह दीजिए हैरत ना करो, हैरत ना करो, निगाहें खीरा ना हो, आंखें खीरा ना हो, मैं तुम्हारा ही जैसा बशर हूँ। बशरियत रसूल और नूरियत रसूल दोनों में कोई तजाद नहीं है। अब बात बस यही है कि सुखन शनास नई दिलबरा खता इंजास्त, जबान शनासी होनी चाहिए। हर फ़न की कुछ मुस्तलहात होती हैं, हर फ़न के का एक अलग सलीक़े इजहार होता है। नूर की भी दो किस्में हैं, एक है नूर हिस्सी, एक है नूर गैर हिस्सी। नूर हिस्सी नूर मादी है, ये नूर महसूस। नूर गैर हिस्सी वो है जो हवास के दायरे में नहीं आता, नज़र नहीं आता। दोनों में बड़ा फ़र्क है। नूर हिस्सी अगर हो तो पैगंबर की नूरानियत का अंदाज़ा कीजिए, जहाँ पैगंबर मौजूद हों वहाँ कभी रात तो होनी ही नहीं चाहिए थी। मदीने में रात होती थी या नहीं? सूरज डूब जाता था तो रात होती थी, हैं? अगर पैगंबर के अंदर नूरानियत जाहिरी होती, नूर महसूस होता, पैगंबर का नूर सूरज के नूर से कहीं ज़्यादा है। सूरज का नूर कुछ भी नहीं है पैगंबर के नूर के आगे। पैगंबर की नूरानियत बातनी का एक अदना सा परतो भी सूरज के मजमूई नूर से ज़्यादा है, खुदा की कसम। सूरज के नूर से, सूरज के मजमूई नूर से ज़्यादा है। मगर कुल नूर मौजूद हो और रात हो जाए, इसके क्या मानी? ओ होती थी,
इसके मानी ये थे कि नूरानियत पैगंबर गैर हिस्सी नूर था, वो नूर गैर हिस्सी था और आपका जसद ज़ाहरी जसद बशरी था, जंबे बशरियत रखता था। कुछ लोगों को ये जम समझ में नहीं आती, जम समझ में नहीं आती। इसको समझने के लिए हुजले फिक्र में एतिकाफ शर्त है। एतिकाफ कीजिए, हुजले फिक्र में एतिकाफ कीजिए, रातों में मुसल्ला बिछा कर और रब अकबर से हिदायत तलब कीजिए। तस्बीह पढ़िए, रब इशरहली सदरी, रब इशरहली सदरी, रब इशरहली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे। देखिए वो कैसे कुशादा करता है, खुदा की कसम बगैर ऑपरेशन के कुशादा हो जाएगा। वहाँ भी सुखन्ना शनासी ने करिश्मे दिखाए, लोगों ने शरह सदर पैगंबर को बाकायदा पैवंदकारी ओपन हार्ट सर्जरी करार दे दिया। वो नहीं है, शरह सदर की हकीकत कुछ और है। रब अकबर जब शरह सदर फरमाता है तो उसका ताल्लुक इस सदर से नहीं है, इस सदर से नहीं है। कल्ब, सादर, फुआद, ये कलिमात रूह इंसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ाहरी महमिल भी है इसका और बातनी महमिल भी है। इसलिए आपको याद दिला दूं, कल याद दिलाना चाह रहा था मगर कल वो बात किसी और तरफ आगे बढ़ गई। कल तज़किरा था इल्म का और रूह का। रूह की ग़िज़ा इल्म है और जब ग़िज़ा की कमी होती है तो ज़हन में सवालात उठते हैं और ये हमेशा सवालात उठते रहते हैं। कोई बड़े से बड़ा फ़कीह हो, मुज्तहिद हो, मुफक्किर हो, लेकिन उसके ज़हन में सवालात आखिरी उम्र तक आते रहते हैं और इसी वसीले से वो कस्ब इल्म करता रहता है। सवाल जस्तजू पे उभारता है, इंसान अहले इल्म से पूछता है, किताबों का मुताला करता है, कुरान की तिलावत करता है, हदीस में जस्तजू करता है, अपने अक्ल पे ज़ोर डालता है, बात को समझने की कोशिश करता है। और मुसलसल इल्म हासिल करने से उसके बदन का हजम नहीं बढ़ता। न बदन का वज़न बढ़ता है, इल्म किलोग्राम में नहीं नापा जाता, तौला जाता, लीटर में नहीं नापा जाता कि कितने इल्म, कितने लीटर इल्म पी चुके आप या कितने किलो इल्म खा चुके आप, है ना। इल्म ग़िज़ाए रूह है और इसलिए हमारे और आपके इमाम इमामुल मुत्तकीन बाब मदीनतुल इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, और एक बुलंदतर सलावात पढ़ें, हज़रत ने फरमाया कि कुल्लु विआइन यज़ीक़ु बिमा युज़अलु फ़ीह, हर बर्तन जब उसमें कोई चीज़ डाली जाती है तो वो भर जाता है, तंग हो जाता है। इल्ला विआ अल-इल्म, लेकिन ज़र्फ़ इल्म कभी पुर नहीं होता, कभी तंग नहीं होता, बल्कि वो और वसीह होता रहता है। जितना इल्म आता जाएगा वो ज़र्फ़ वसी होता चला जाएगा। यह है रूह की सिफत, यह है रूह की सिफत। चुनांचे इल्म हासिल करते चले जाएं आपके वजूद को वसअत। ये कल्ब, ये रूह का वसी होना, ये शरह सदर है। ये शरह सदर है। कोई बात समझ में नहीं आ रही, ये समझ में आ गई, ये शरह सदर है। जब तक समझ में नहीं आती दिल में खलिश रहती है, घुटन रहती है, इधर समझ में आई एक फरहत,
एक नशात, एक विजदानी कैफियत, सुकून और इत्मीनान कल्ब को हासिल हो जाता है, वो खलिश मिट जाती है। ये शरह सदर है। शरह सदर के ये मानी थोड़ी है कि बाकायदा ऑपरेशन किया जाए और दिल को धोया जाए। बहरहाल कितनी बातें हैं जहाँ सुखन ना शनासी ने बात बिगाड़ दी। इस्तियारे न समझ सके, तशबीहें न समझ सके, तमसीलें न समझ सके, बात बिगड़ती चली गई। बहरहाल तो मेराज के सिलसिले में भी ये बार बार मसाइल सामने आएंगे कि बहुत सी चीज़ें तशबीह और इस्तियारे की ज़बान में बयान की गई हैं और लोग उस हकीकत को, उसके लेक्सिकल और लिटरल मीनिंग तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हकीकत है और वो ये है कि मेराज सिर्फ रूहानी नहीं थी, एक पूरा मकतबे फिक्र है जो सरकार की मेराज को कहता है रूहानी मेराज थी। मैं यहाँ पर ज़रूरतन अपना एक बहुत बार का दोहराया हुआ पुराना जुमला दोहरा रहा हूँ कि अजब मुगालता है लोगों को, रूह और बदन की जुदाई का नाम मौत है, मेराज नहीं। बहुत सादा सी बात है, पूरी दानिश्वरी सर्फ कर देते हैं कि जी मेराज पैगंबर की रूहानी मेराज थी, जिस्मानी मेराज नहीं थी। यानी क्या, जिस्म यहाँ रह गया, रूह आलम बाला में गई, सैर करके वापस आ गई, तो बदन जब यहाँ रह गया और रूह मुफारकत कर गई तो इसके माने कि हुजूर की वफात हुई और दोबारा ज़िंदा हुए। जो लोग हुजूर की फजीलतें नहीं देखना चाहते, मालूम है किस कबील से हैं, वो इसी कबील से हैं, वो इसी कबील से। रूह और बदन की जुदाई का नाम मौत है, मेराज नहीं। फिर मेराज किसका नाम है? मेराज का अभी एक इजमाली, सिर्फ इजमाली तारीफ पेश कर रहा हूँ, तफसील तो आइंदा तीन दिनों तक और भी अर्ज़ करूँगा। मेराज नाम ही इसका है कि रूह का इतना तसल्लुत और इक्तदार कायम हो जाए बदन पर कि जहाँ तक रूह जाए बदन साथ साथ चला जाए। ये है मेराज। बदन छूट गया और रूह परवाज कर गई तो मौत है। बदन रूह के साथ साथ परवाज करता रहा तो मेराज है। इसलिए इस बात से मैं तामुल ना करें कि हुजूर की मेराज जिस्मानी थी या नहीं, हुजूर अपने पूरे वजूद के साथ मेराज पर तशरीफ ले गए, पूरे वजूद के साथ। हाँ, एक और मकतबे फिक्र है जो इससे भी ज़्यादा रकीक बात कहता है। वो कहता है कि मेराज हकीकी और वाकई और ख़ारिजी नहीं थी, ख़ारिजी यानी आलम ख़ारिज में, बल्कि ख़्वाब देखा था हुजूर ने। ये इतना रकीक, इस कदर जाहिलाना ख़्याल है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी कहे। मुझे मालूम है किन किन लोगों ने कहा है, मुझे सबके नाम मालूम है, हवाला दूंगा तो आपकी खातिर शिकनी होगी। ख्वाब देखा था। मैं इसका जवाब देता हूँ बहुत ही मारूजी अंदाज में। देखिए, ख्वाबों पर, ख्वाबों की तहकीक पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, साइंसदानों ने लिखी हैं, फ़लसफ़ियों ने लिखी हैं। कोई अहम फ़िलासफ़र ऐसा नहीं है जिसने ख्वाब की हकीकत पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू ना की हो और मुस्तकिल मकाला न लिखा हो। कोई अहम, सुकरात और अरिस्टोटल से लेकर मैं रवा रवि में सानवी हवाला या सेकेंडरी रेफरेंस नहीं दिया करता जब तक कि खुद पढ़ ना लूँ।
अरिस्टोटल के जितने मकालात हैं उनमें एक अहम मकाला ख्वाब के बारे में है जो इस हकीर तालिब इल्म ने पढ़ा है। इब्ने सीना की किताबों में मनामात पर तज़किरा पूरा चैप्टर मौजूद है, मुल्ला सदरा के यहाँ मौजूद है, मीर बाकिर दामाद के यहाँ मौजूद है, मुल्ला हादी सबजवारी के यहाँ मौजूद है। कोई अहम सफ़े अव्वल का मुफक्किर और फ़लसफ़ी नहीं है जिसने ख्वाब के ऊपर गुफ्तगु ना की हो। लेकिन और साइंसदानों ने भी की है, फ्राइड ने कितना काम किया है ख्वाब के ऊपर। मैंने फ्राइड का पूरा काम तो नहीं पढ़ा, ये नहीं कह सकता कि उसके कुल्लियात को पढ़ा है, लेकिन अहम हिस्से को पढ़ा है। बहुत से बच्चे ख्वाब देखते हैं, जवान ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में चिहुक जाते हैं, चौंक जाते हैं, दोनों लफ्ज़ हैं जबान में। फारसी ही की तरकीबें सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, मैं देसी लफ्ज़ें भी इस्तेमाल करता हूँ। चिहुक जाते हैं, चौंक जाते हैं और उसके बाद माँ बाप दौड़ते हैं, अजीज़ अकरबा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। अब वो कहते हैं कि मैं अजीब सा ख्वाब देख रहा था। क्या ख्वाब देख रहा था? मैं देख रहा था कि कहीं बिस्तर से कोई आया, मुझे उठा के ले गया और फ़ज़ा में बुलंद होता गया, खला में पहुँच गया और वहाँ जा कर मेरा हाथ छूट गया और मैं बिल्कुल हैरान और शशदर हो गया और दम घुटने लगा और इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई, शायद उसी चीख से मेरी आँख खुल गई और आप सब भी परेशान हो गए। कभी ऐसा ख्वाब सुन के किसी बाप ने नहीं कहा बेटा मुबारक हो, तुम साहिबे मेराज हो गए। गौर फरमा रहे हैं, कभी किसी माँ ने, किसी बाप ने, कभी किसी को मुगालता नहीं हुआ कि मेरा बेटा साहिब मेराज हो गया है? मेराज ख्वाब नहीं है। अच्छा, और दूसरी दलील कि मेराज ख्वाब नहीं है, हकीकत है। कुरान मजीद में रब अकबर ने किसी नबी को अगर ख्वाब दिखाया है तो ये कह के बयान किया है कि ये ख्वाब दिखाया। इब्राहिम को ख्वाब दिखाया तो कहा कि ख्वाब दिखाया। पैगंबर को ख्वाब दिखाया दूसरे मकाम पर तो कहा कि ख्वाब दिखाया। मगर सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक और पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह और मुकद्दस है वो रब, वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई। वो परवरदिगार अपना फ़ेल बयान कर रहा है, न कि पैगंबर का ख्वाब। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख्वाब होता तो ख्वाब कह के बयान करता परवरदिगार, हकीकत थी हकीकत के पैराए में बयान किया। और ये नहीं कहा कि देखो मेरा बंदा कैसा है, देखो मेरा रसूल कैसा है, देखो मेरा नबी कैसा है कि जो मेराज की बुलंदियों पर गया। कहा देखो मुझे, देखो मेरी शान, देखो मैं कैसा पाक और पाकीजा हूं। मैं अपने बंदे को मेराज की बुलंदियों पर ले गया। मेराज का मुनकर फजीलत मुस्तफा का मुनकर नहीं, एक फेल खुदा का मुनकर है। और इसीलिए हजरत इमाम सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि आमदन जान बूझ कर मेराज का इनकार करने वाला काफिर है। कुफर के मरातिब हैं। क्यों काफिर है? खुदा को झुठला रहा है। किसी भी वाकये पे रिसर्च का तरीका क्या है, एकेडमिक तरीका क्या है, एकेडमिक मेथड क्या है रिसर्च का? कोई वाकया नकल किया गया तो उसके प्राइमरी रिसोर्सेज क्या हैं, इब्तदाई माखज़ क्या हैं, इब्तदाई मसादिर क्या हैं, सबसे पहले वो वाकया किसने नकल किया, वहाँ सोचेंगे रावी अव्वल कौन है,
रावी अव्वल खुदा, सबसे पहला सोर्स कुरान। अब फरमाइए, सबसे पहला सोर्स कुरान, दूसरा खुद पैगंबर का बयान, और तवातुर के साथ। ये नहीं कि खबर आहाद है, किसी एक रावी ने बयान किया, दो रावियों ने बयान किया, तवातुर के साथ, तवातुर के साथ। अस्हाब ने नकल किया, ताबईन ने नकल किया, तबाए ताबईन ने नकल किया, मुसलसल नकल होता चला आ रहा है वाकया। अब आप तावील कर रहे हैं, और वाकया बयान हुआ तो किन लफ्जों में बयान हुआ, उसी की तरफ तो तवज्जो दिला रहा हूं। पहली बात यह देखिए कि कहां मिलता है यह वाकया, दूसरी बात यह देखिए किन लफ्जों में बयान हुआ यह वाकया। कहीं बाद वालों ने मुबालिगा तो नहीं किया? मैं कहता हूं बाद वालों ने मुबालिगा नहीं, मेराज को जिस जाहो जलालो जमाल के साथ रब अकबर ने बयान किया था, उस हद तक तो किसी का भी कलम और किसी का भी बयान रसा ना हो सका, कमतर ही दर्जे पे बयान कर पाए। इसलिए कि वो किस अंदाज से बयान कर रहा है, खुदा की कसम। अच्छा, यहां एक नुक्ता और देख लीजिए, पूरी आयत पे गौर फरमाइए पहले, और सिर्फ यही एक आयत नहीं है मेराज से मुतालिक, मुतअद्दिद। मुतअद्दिद के मानी क्या है? दो नहीं, तीन नहीं, तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा और तीन मकामात से ज्यादा कुरान मजीद में आयतें हैं जो मेराज से मुतालिक हैं, मेराज से मुतालिक हैं, जिसमें एक अहम तरीन यह है, सूरह इसरा की पहली आयत, सुबहान अल्लज़ी। ये सुबहाना किसे कह रहे हैं? अल्लाह को। अल्लज़ी कौन है? अल्लाह। सुबहान अल्लज़ी असरा, असरा फ़ाइल है, असरा का फ़ाइल कौन है? अल्लाह। पाक है, पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ा है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। कहाँ ले गई? असरा बिअब्दिही लैलन। अभी बहस होगी, आप हजरात के ज़ौक़ पर मैं नाज करता हूँ कि आप हजरात कभी कभी मुझसे आगे आगे चलते हैं, मगर उसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है, इसलिए कि कोई ताज़ा बात मैं कहना चाहता हूँ, आप पुरानी बात दोहराते रहते हैं। असरा के मानी हैं, असरा ये जो फ़ेल है अरबी में, अरबी डिक्शनरी उठा के देखिए, असरा के मानी ही हैं रात में सैर व सफ़र करना। वरना लफ्ज़ सफ़र भी अरबी लफ्ज़ है, हैं? असरा के मानी ही हैं रात में सफ़र करना। तो जब इसमें रात में सफ़र करने का मफहूम मौजूद है तो फिर लैलन दोबारा क्यों कहा? अब वाज़े हुई बात, पाक और पाकीज़ा है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई, और अभी रात बाकी ही थी कि वापस भी ले आई। यानी पूरी रात सफ़र नहीं हुआ, रात के एक थोड़े से हिस्से में हुआ। लैलन इसलिए कहा गया कि ये समझ लो कि पूरी रात नहीं, असरा के मानी तो है पूरी रात सफ़र करते रहे, नहीं, रातों रात सफ़र हो गया, रात के एक छोटे हिस्से में सफ़र मुकम्मल हो गया, एक छोटे से हिस्से में। कितना छोटा हिस्सा? ये किसी शायर का मुबालिगा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है
तफसीली बयान के बाद मेराज के तमाम मनाजिल बयान किए, तमाम मराहिल बयान किए, तमाम मकामात बयान किए, तमाम वाकयात बयान किए, नमाज बाजमात का तस्किरा हुआ, अम्बिया से मुलाकात का तस्किरा हुआ, सिदरतुल मुंतहा तक जाने का तस्किरा हुआ, वहाँ जिब्राइल के साथ छोड़ने का तस्किरा हुआ, मकाम काबा कौसैन व अदना तक पहुँचने की बात हुई, खलवत गए लाहूती में पैगंबर की गुफ्तगू की बात हुई, पयाम रब की बात हुई, और कहा जब पलटा तो बिस्तर की हरारत बाकी थी। ये किसी शायर का शायराना मजमून नहीं है। सलावात पढ़ दीजिए। एक और बलंतर सलावात पढ़ दीजिए। मैं यानी गए भी और आए भी और बिस्तर गर्म रहा, जंजीर दर हिलती रही, सफर मुकम्मल हो गया। लैला, अच्छा ये रब फरमा रहा है तो, लेकिन शुरू यानी बयान मेराज का है, शुरू में तस्किरा किसका है? अल्लाह का। और आखिर में तस्किरा किसका है? इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वही है वो जो समी है और बसीर है। मिजाज जिक्र पैगंबर को समझें, मिजाज जिक्र पैगंबर को समझें, यह मिसरा है सरफराज अली हुसैन साहब के लिए, इस पर आप बाद में नात पूरी कहिएगा। मिजाज जिक्र पैगंबर को समझें क्या है इसमें, इस मिजाज में पैगंबर का कोई तस्किरा पूरा नहीं हो सकता जब तक के वो जिक्र इलाही से शुरू ना हो, जिक्र इलाही पे खत्म ना हो। वो जिक्र जिक्र पैगंबर नहीं है जो जिक्र खुदा से शुरू ना हो, वो जिक्र जिक्र पैगंबर नहीं है कि जो इख्तिताम में जिक्र खुदा पर खत्म ना हो। और ये अदब खुदा ने सिखाया कि देखो मेरा तस्किरा करो, अव्वल व आखिर तो दरमियान में मेरे हबीब का भी तस्किरा करो। सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र शिर्क नहीं है, कुफर नहीं है, बिदात नहीं है। खुदा खुश होता है अपने हबीब के तस्करे से। यहीं पे मैं वो तस्करा कर दूं जो गालिबन गुलिस्तान जहरा की मजलिसों में किया था, बस इशारतन। देखिए मैंने कहा था कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जो युसल्लूना है इसके मानी है मद्दाही फरमाता है, सना फरमाता है, नात फरमाता है। हैं, कोई पूछे कहाँ कहाँ नात है, एक दो नाते हैं। ये सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही नात नहीं है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम नात नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन नात नहीं है, यासीन वल कुरानिल हकीम नात नहीं है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान ये नात नहीं है, इन्ना अतैनाकल कौसर ये नात नहीं है, वद्दुहा वल लैल इज़ा सजा ये पूरा सूरा नात नहीं है, अलम नशरह लका सदरका ये नात नहीं है। कितनी नाते हैं दीवाने वही इलाही में। हुस्न सना रब खुद अपने पैगंबर की मद्दाही करता है।
तारीफ़ करता है, तौसीफ़ करता है, उनके फ़ज़ाइल बयान करता है, उनके मनाक़िब बयान करता है, उनके कमालात बयान करता है। और सिर्फ उन्हीं के नहीं, वो ख़ुद बयान करता है, अपने मलाइका से भी कहता है मद्दाही करो, मलाइका भी मद्दाही करते हैं, और हमसे चाहता है कि हम भी मद्दाही करें। और जितने सालेहीन बंदे हैं उन सब की हुस्न सना मतलूब है, मतलूब इलाही है। अब इस वक्त ये मौजू नहीं है कि मैं इस पर आयात कुरानिया का इस्तदलाल मज़ीद पेश करूँ। बहरहाल, तो हुस्न सना मुस्तफ़ा का कमाल ये है और कमाल हुस्न ये है कि आगाज़ रब के तस्करे से हो, अंजाम रब के तस्करे पर हो। अब गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ कि असल मेराज ख्वाब नहीं है, असल मेराज सिर्फ मेराज रूहानी नहीं है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मेराज आपके पूरे वजूद के साथ मेराज है, रूह और बदन के साथ मेराज है। यहां पर मजबूर हैं हम के रूह और बदन के रिश्ते को समझें। अब गुफ्तगू जरा संगीन मरहले में आ रही है, देखना यह है कि इस मेरी गुफ्तगू की संगीनी को आपके ज़ौक की लताफत कहाँ तक बर्दाश्त करती है। कल मैंने अर्ज किया था कि कन्वेंशनल तसव्वुर यह है, आम तसव्वुर यह है कि जिस्म और रूह अलग अलग दो हकीकतें हैं, मगर यह गलत तसव्वुर है। सनवियत को आलम हस्ती में कहीं दखल नहीं है। आलम हस्ती की हकीकत वहदत और वहदानियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह जो है मुझे बड़ा लुत्फ दे रही है। मैंने आपकी तरफ देखा तो ये लोग समझ लेते कहीं मैं कोई मनफी तबसरा ना कर दूं, मगर ऐसा नहीं है। जो बरमहल दाद होती है वो अच्छी लगती है, कानों को अच्छी लगती है। और ये आप मुझे दाद थोड़ी दे रहे थे, ये आपकी रूह की वो पाकिजगी थी, वो कैफियत थी कि जो रब अकबर के तस्करे और वहदानियत के कलेमे पे झूम उठी। रूह मोमिन की शान ये होती है, रूह मोमिन, रूह मुस्लिम, रूह मुवाहिद एक फर्जंद तौहीद को ऐसा ही होना चाहिए। इस कायनात हस्ती की असास वहदानियत है, वहदत और वहदानियत को हर मरहले पर सतह, हर मरहले वजूद पर, हर सतह वजूद पर दर्क कीजिए, दरियाफ्त कीजिए, मुनकशिफ कीजिए, तब तो आप साहिब कशफ होंगे। कशफ करामत की सब कुफ धुन होती है, वो रियाजत जो कशफ करामत की तलब में की जाए वो मुशरिकाना है। मालूम है जब सैर व सलूक के रास्ते में लोग कदम रखते हैं तो पहली नसीहत क्या होती है, किसके लिए सजदा करते हो, किसके लिए इबादत करते हो, किसके लिए रियाजत करते हो, किसके लिए दुआ करते हो। लोग बहुत सी वजहें बताते हैं, ताकि मुझे कुछ हासिल हो जाए। हाय, शिर्क हो गया। सिर्फ एक की तलब में इबादत होनी चाहिए, खुदा और खुदा और खुदा और बस। क्या चाहिए, जन्नत, मुशरिक हो। जन्नत के लिए इबादत करने वाले मुशरिक हैं, शिर्क के मरातिब हैं। जैसे ईमान के दरजात हैं, ऐसे ही शिर्क के दरजात हैं। जन्नत की हवस रखने वाले मुशरिक हैं,
और अगर उन्हें दायरे ईमान में रखा गया है तो मजाजन मजबूर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है इंसान, मुहम्मदुन रसूलल्लाह कहता है, मगर ना अल्लाह की तलब है इसे ना रसूलल्लाह की से, तो जन्नत की तलब है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं किसके लिए? जन्नत के लिए। तो जन्नत बड़ी हुई कि अल्लाह? किसकी कीमत में क्या रख रहे हो? जन्नत की कीमत में खुदा? अस्तग़फिरुल्लाह, इससे ज्यादा पस्ती ज़ौक की क्या होगी? इससे ज्यादा ज़ौक की पस्ती क्या होगी? इससे ज्यादा मारिफत की रकाकत क्या होगी? इससे ज्यादा तलब की का इब्तिज़ाल क्या होगा? कलमा पढ़ रहे हो जन्नत की तलब में, रसूल का नाम ले रहे हो जन्नत की तलब में, मोहब्बत अली रखते हो जन्नत की तलब में, हसन व हुसैन का मातम करते हो जन्नत की तलब में, नऊज़ु बिल्लाह, कितनी हकीर चीज़ की कितनी बड़ी कीमत दे रहे हो? खुदा की कसम सोचो तो सही, ये कोई खतीबाना और सुखन गुस्तराना बातें नहीं हैं। जब सैर व सलूक में इंसान कदम रखता है, जब मारिफत इलाही के रास्ते में कदम रखता है, तो पहले कहा जाता है कि तुम्हारी तलब सिर्फ अल्लाह होना चाहिए, बिदून इजाफत, कोई इजाफत नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कैद नहीं, हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह की तलब, अल्लाह की तलब, अल्लाह की तलब। यहाँ तक जहन को तजरीद तक पहुँचाया जाता है कि हुब अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। यहाँ तक ये मंजिल, हुब अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। हाँ, मरातिब हैं, मरातिब हैं, जाहिर है शुरू में इंसान कदम रखता है सिर्फ अल्लाह के लिए, उससे फायदा क्या होता है? जिसके पास 100 की नोट हो वो 99 रुपए का मोहताज होगा, जवाब दीजिए, छोटा सा मुअम्मा है। जिसके पास अल्लाह हो, अल्लाह जिसका हो गया वो जन्नत की फिक्र नहीं करेगा, वो तो जिसको चाहे जन्नत तकसीम करेगा। एक जन्नत की फिक्र ना करो, खालिक जन्नत की फिक्र करो। वो जन्नत का खालिक है, जितनी जन्नतें चाहोगे वो खल्क करके तुम्हें दे देगा, तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। सिर्फ एक ही सदा गूंजती है इस गुंबदे बेदर में, जो अली इब्ने अबी तालिब की सदा है, ए मेरे अल्लाह मैं तेरे जहन्नम के खौफ से इबादत नहीं करता, ए मेरे माबूद मैं तेरी जन्नत के लालच में इबादत नहीं करता, मैंने तुझको इबादत के लायक जाना इसलिए इबादत करता हूँ। सलावात पढ़ते मोहम्मद वाले हम नमाज़ें पढ़ते हैं सुबह से शाम तक, कभी कभी मेरे चेहरे पे एक तकद्दुर आ जाता है, लोग कहते हैं कि आप ये न किया कीजिए। सुनते सुनते ये बातें, मौलाना दुआ बता दीजिए नौकरी लग जाए, मौलाना दुआ बता दीजिए इम्तिहान में पास हो जाएं,
मौलाना दुआ बता दीजिए इंटरव्यू में कामयाब हो जाए। मौलाना दुआ बता दिए दुकान चलने लगे। मौलाना दुआ फरमा दीजिए अच्छी बीवी मिल जाए। मौलाना दुआ फरमा दीजिए दुनिया भर की ये कोई एक बंदा कभी कभी बरसों में एक मिलता है जो कहता है ऐसी दुआ बता दीजिए कि जिससे खुदा तलबी मेरे दिल में पैदा हो जाए, खुदा की जस्तजू बेदार हो जाए, मेरे कदम खुदा की राह में उठने लगे। मुझे वही हजरत वफा मलिक पूरी मरहूम का शेर याद आता है। मौलाना वफा मलिक पूरी बहुत अच्छे शायर थे, उर्दू के अच्छे मारूफ शायर थे। फरमाते हैं कि सब मांग लिया तुझसे मगर तुझको ना मांगा, सब मांग लिया तुझसे मगर तुझको ना मांगा, हक ये है कि तौहीन दुआ हमसे हुई है। नमाजें पढ़ते हैं, हज पे जाते हैं, खुदा के घर जाके भी खुदा की जस्तजू नहीं होती, अपने घर को संवारने की जस्तजू होती है। खुदा की कसम, क्या फिक्र की पस्ती है, क्या हौसले की पस्ती है। हौसला याद है, क्या हौसले की पस्ती है, क्या हिम्मत की पस्ती है, क्या तबीयत की दुनिया मिजाजी और दूनियत है। बहरहाल तौहीद के मरातिब हैं, तौहीद के दरजात हैं, और उनमें से एक वो हकीकत तौहीद है कि कायनात की किसी शय में दुई नज़र ना आए, किसी चीज़ में दुई नज़र ना आए, कोई चीज़ भी ऐसी नज़र ना आए कि जिसके साथ खुदा नज़र ना आए। ये जुमला भी किसी और से नहीं, उसी इमाम से मनकूल है। अब हम कैसे उस इमाम का नाम लेना छोड़ दें। पूछने वाले ने पूछा या अमीर अल मोमिनीन, या अली, या अबुल हसन, क्या आपने अपने रब को देखा। कहा वाह हो तुझ पर, मैं तो ऐसे रब की इबादत ही नहीं करता जिसे देखा ना हो, मैंने कोई शय नहीं देखी मगर उससे पहले खुदा को देखा, उसके साथ खुदा को देखा, उसके बाद खुदा को देखा, मगर बस ये याद रख के ये आंखें जाहिरी उसको नहीं देख सकती, दिल की आंखें उसे देखती हैं। वो मर्तबा तौहीद, हाँ हम उस मर्तबे तौहीद तक पहुंच नहीं सकते तो कम से कम उस मर्तबे तक पहुंचने की दुआ तो कर सकते हैं, आरजू तो कर सकते हैं। तो ये तौहीद का ज़ौक अगर बेदार हो जाए तो ये मुअम्मा हल हो जाएगा कि रूह जिस्म में दुई है कि नहीं। मुझे मालूम है कि मसला कहां पर था, रूह और जिस्म दो चीजें हैं या एक, एक है। और उसकी एक मिसाल देता हूँ, कराची में भी दी थी, हो सकता है कि टेलीविज़न के ज़रिए से आप तक ये मिसाल पहुँच गई हो, आपको याद हो, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों ने ना देखी हो। देखिए हर चीज़, हर शय का एक ज़ाहिर होता है एक बातिन, और हमेशा बातिन लतीफ़ होता है, ज़ाहिर बातिन के मुकाबले में कसीफ़। कसीफ़ ये नापाक के मानी में नहीं है, ये कसीफ़ दूसरे मानी रखता है। और इसकी मैं मिसाल देता हूँ ज़ाहरी बच्चों को समझाने के लिए कि ये अपना हाथ देख लें। हर शख्स इस हाथ के दो रुख हैं, एक कफ़े दस्त है, एक पुश्त दस्त। पुश्त दस्त का रंग उमूमन कफ़े दस्त से ज़्यादा कसीफ़ होता है, और कफ़े दस्त का रंग पुश्त दस्त की बनिस्बत लतीफ़ होता है। हमेशा ये मुट्ठी बंद होती है, खोलिए, ये लतीफ़ है, ये कसीफ़,
ये साफ है और ये ज़रा सा दूसरे रंग का। अब जनाब वाला यही कैफियत हमारे वजूद की है। वाहिर मादी जिस्म है, बातिन जो लतीफ पहलू है वो है रूह। अभी सब की समझ में नहीं आएगी ये बात, अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि मौत के अलावा रूह कभी बदन को छोड़कर अलग हो सके, मुमकिन नहीं है कि रूह बदन से जुदा हो जाए मौत के अलावा। अब ये रूह पैदा कब होती है, बहुत सी आयतें रिवायतें लेके आप आ जाएंगे और कहेंगे जनाब आपने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, मैं सब देख चुका हूं, सब पढ़ चुका हूं, सारी चीजें मेरे सामने। रूह कब तखलीक होती है, हमारी आपकी रूह कब तखलीक होती है? देखिए किसी भी शय जो मादी शय है उसके पहले सिर्फ तीन डायमेंशंस का तसव्वुर था, लंबाई चौड़ाई गहराई, जिसको कहते थे अबआद सलासा, थ्री डायमेंशंस। हजरत आइंस्टाइन के ज़माने में एक नया तसव्वुर इंट्रोड्यूस हुआ और वो ये इंट्रोड्यूस हुआ, आप नहीं बहुत से लोगों के नाम के साथ हजरत लगाते हैं, क्या सब हजरत होते हैं? उसमें बड़े बड़े हजरत भी होते हैं, मैंने भी कह दिया तो क्या मुश्किल है उसमें। तो हजरत आइंस्टाइन ने एक बात और कही और वो कहा कि एक फोर्थ डायमेंशन भी है, वो है टाइम, वक्त। इसी इंसान का एक फिफ्थ डायमेंशन भी है, वो है रूह। एक ही वजूद का एक पर्टिकुलर डायमेंशन है और ये उसी वजूद से पैदा होता है। रूह का फलसफा ये है, मुल्ला सदरा के मकतबे फिक्र में पूरी हकीकत इसकी वाजह की गई है और एक थ्योरी पेश की गई है जिसको कहा गया है थ्योरी ऑफ सब्सटेंशियल मूवमेंट, यानी नज़रिया हरकत जौहरिया, यानी जौहर में हरकत है, जौहर में हरकत है। अब ये जौहर और अरज जो लोग फ़लसफ़ा जानते हैं उनके लिए है कि कुछ चीज़ें कहलाती थीं जौहर और कुछ चीज़ें कहलाई जाती थीं फ़लसफ़े में अरज, ज़ाहिर है कि अब भी फ़लसफ़े के उस जाविये से यही कहा जाएगा। और ये समझा जाता था कि हरकत सिर्फ आरजी शय है, जौहर में वजूद के अंदर एंटायर एग्जिस्टेंस के अंदर कोई चेंज और कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक खारिजी हकीकत है, एक आरजी हकीकत है, एक आरजी हकीकत है, लेकिन हरकत पूरे वजूद में है, हरकत पूरे वजूद में, तगैयर पूरे वजूद में, सबात एक तगैयर को है जमाने में। आपके शहर का शायर है इकबाल, सबात एक तगैयर को है जमाने में, ये तगैयर हमगीर है दाखिल से खारिज तक, बातिन से जाहिर तक, जाहिर से बातिन तक। अब इस तगैयर के साथ एक और तगैयर से मुतालिक शेर जहन में आ गया तो वो भी जिक्र करके आगे बढ़ूं। अजीब व गरीब है प्रोफेसर सैयद एजाज अफजल मरहूम का शेर है, अच्छे शायर थे, क्लासिकी ज़ौक के अच्छे रचे हुए शायर थे और इस शेर में भी एक पैगाम है। मैं शेर बिला वजह मिंबर पे कोट नहीं करता हूँ। फरमाते हैं कि ज़मीन की तरह मुब्तला हैं सब अपने अंदर के जलजले में, ज़मीन की तरह मुब्तला हैं सब अपने अंदर के जलजले में, पहाड़ के दिल में जा छुपोगे तो उसमें भी थरथरी मिलेगी। ये हकीकत है। तो ये हरकत अलग है, लेकिन एक दूसरी हरकत जो मैं जाहिर कर रहा हूं, इस हरकत को समझें और इसको समझे बगैर रूह और जिस्म का रिश्ता समझ में नहीं आएगा, और जब तक रूह और जिस्म की वहदत जाहिर नहीं होगी उस वक्त तक मेराज के बयान में लुत्फ नहीं आएगा।
ये इल्मी तमहीद जरूरी है मेराज के बयान के लिए। हरकत जौहरिया क्या है, कैसे जाहिर करें, कैसे बयान करें आपके सामने। कहते हैं कि न्यूटन ने भी सेब की मिसाल से अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वाज़ह किया था। अब इसमें तारीख़ी एतबार से न्यूटन के बायोग्राफर्स में इख्तलाफ है, कोई कहता है ये दास्तान है, कहानी है, कोई कहता है सच्चा वाक़या है, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि अपने बागीचे में न्यूटन बैठे हुए थे और एक सेब दरख्त की शाख से टूट कर गिरा ज़मीन पर, और वो ये सोचने लगे कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यहाँ से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर उन्होंने इस्तदलाल फरमाया। लेकिन सेब ही की मिसाल मैं आपके सामने रखूं, सेब का एक बीज बोएं आप ज़मीन में, वो एक बीज है, एक कुछ दिनों के बाद वो उसका अखुआ फूटेगा, वो सर उभारेगा, खाक उससे हार जाएगी। खाक ही से वो अपनी ग़िज़ा और तवानाई लेकर खाक को हरा देगा, ऊपर उठेगा, तनावर दरख्त बनेगा, उसके बाद शाखें आएंगी, फिर कलियां आएंगी, फिर फूल खिलेंगे, फिर सेब आएगा। सेब का हजम पहले छोटा होगा, फिर बढ़ेगा। सेब एक जगह लगा हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ के पूरा हुआ और साथ में अब उसका रंग बदलता जा रहा है, उसका मज़ा बदलता जा रहा है, उसकी खुशबू बदलती जा रही है। ये चेंज है या नहीं, ये तगैयुर है या नहीं। जिस तरह से पूरे सेब के अंदर एक तगैयुर है, एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ एन एप्पल, उसके अंदर एक तगैयुर है, एक चेंज है, एक मूवमेंट है। अगर ये तगैयुर ना हो तो सेब अपने कमाल तक नहीं पहुंचेगा, कमाल की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कमाल की मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरे उसके वजूद में हरकत जरूरी है। अब आप एक कलम गुलाब की ले लीजिए, गुलाब की कलम लगाई आपने, एक कलम मुअन्नस है, एक मुज़क्कर। जिस कलम से लिखते हैं वो मुज़क्कर है, जो कलम लगाई जाती है वो मुअन्नस है। तो आपने कलम लगाई, उससे पौधा हुआ, उसमें फिर कली आई, कली को सूंघ के देखिए गुलाब की खुशबू है उसमें, जो कलम लगाई थी उसमें खुशबू थी है? जब पौधा निकल आया, कलियां आईं, तो क्या आप जाके उस ज़मीन पे इत्र छिड़कते हैं? जब कली आती है तो क्या उसमें गुलाब का इत्र इंजेक्ट करते हैं? नहीं ना, इंजेक्ट नहीं करते, खुद उसके अंदर वो कली खिलती है, गुलाब खिलता है तो खुशबू पैदा होती है। मिट्टी में खुशबू नहीं थी, जड़ों में खुशबू नहीं आए, टहनियों में खुशबू नहीं आए, गुलाब के कांटे में खुशबू गुलाब की नहीं आए, है वो गुलाब के पौधे का हिस्सा मगर उसमें खुशबू नहीं है, उसकी पत्तियों में खुशबू नहीं है, उसकी कली में खुशबू नहीं है। ये मुसलसल हरकत है जो उसके जौहर में हो रही है। गुलाब के पौधे पर आपने इत्र गुलाब छिड़का नहीं, गुलाब के पौधे में इत्र इंजेक्ट नहीं किया, मगर गुलाब से इत्र कशीद कर सकते हैं। यानी एक कानून समझ में आया कि किसी फूल में अगर खुशबू है तो एक खास मंजिल पर आने के बाद उसमें खुशबू कुदरती तौर पर पैदा हो जाएगी। अब अगर कोई ऐसा इत्र साज मौजूद है जो उसकी खुशबू को कैद कर सकता है तो वो गुलाब का फूल तो रिस्क खाक बन जाएगा मगर उसकी खुशबू हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। महफूज रखने वाला जब तक महफूज रख सके।
तवज्जो है, महफूज रखने वाला जब तक महफूज रख सके। अब ये महफूज रखने वाले की कुदरत पर है। सेब की मिसाल आपने ली, सेब का अर्क आपने निकाल लिया, उसका अर्क वो महफूज रहेगा जब तक आप महफूज रख सकें। इसी तरह इसका इत्र और खुशबू महफूज रहेगी जब तक आप महफूज रख सकें। इस सेब के अरक के लिए या सेब के जौहर के लिए या गुलाब के जौहर और इत्र के लिए इब्तिदान गुलाब का होना जरूरी है, लेकिन उसकी बका के लिए गुलाब का होना जरूरी नहीं है। उसकी बका के लिए गुलाब का होना जरूरी नहीं है। इसी तरह इंसान की रूह के पैदा होने के लिए जिस्म का होना जरूरी है, इंसानी रूह के बाकी रहने के लिए जिस्म का बाकी रहना जरूरी नहीं है। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाज़े है, एक कतरे नादीदा और गंदीदा सुलब पदर से रहमे मादर तक मुंतकिल होता है। वो कतरा उसी तुख्म की मानिंद है जैसे सेब का तुख्म रिस्क़ ज़मीन बना दिया था। ये रहमे मादर में परवान चढ़ता है और कुछ दिनों के बाद उसी के अंदर एक डायमेंशन पैदा होता है, रूह पैदा होती है। ये रूह उसी वजूद का हिस्सा है, उसी एक वजूद का हिस्सा है। दो चीज़ें नहीं हैं कि दोनों में कोई रिश्ता, कोई पैवंदकारी की गई। उसी एक हकीकत का एक पहलू है रूह। पैदा होने के लिए उस जिस्म और उस पूरे सांचे का मोहताज, बाकी रहने के लिए नहीं। वो कशीद करने वाला हमारा जिस्म खाकी रिस्क खाक बन जाता है, हमारा बदन पैवंद खाक हो जाता है, मगर रूह को रब अकबर अपनी कुदरत से महफूज रखता है। और जितनी उसकी कुदरत, जब तक चाहे रूह को बाकी रखे। वाज़े है, इसीलिए कहा गया कि नफ्स अन्नफ्स हो, नफ्स इंसानी या जिसे उसी को रूह भी कहते हैं, ये जिस्मानियतुल हुदूस रूहानियतुल बका, ये अपने हुदूस अपनी पैदाइश के लिहाज से अपनी तखलीक के लिहाज से जिस्मानी है, अपनी बका के एतबार से रूहानी है। ये बहुत दकीक फलसफे का मसला है, मगर आपके जहनों ने कबूल कर लिया। हौज़ा इल्मिया में हरकत जौहरिया के नज़रिए पर 6-6 महीने बहस होती है। हाँ, इसमें एतराज़ात हैं, इश्कालात हैं, इसमें मुश्किलात हैं, ज़ाहिर है वो सब अभी बयान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बुनियादी तस्वूर है वो आप तक मुंतकिल हो गया। रूह और जिस्म दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही हकीकत है। अब रूह जिस्म के साथ साथ रहेगी, इसलिए कि वो दो है ही नहीं। जिस्म से तभी जुदा होगी जब मौत आकर रूह को जिस्म से जुदा कर दे। इसलिए अब अगर जिस्म, अगर मौत से पहले कोई रूह उरूज पाती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि रूह परवाज कर जाए और जिस्म रह जाए। इसीलिए मैंने कहा कि मेराज की हकीकत यही है कि जहां तक रूह का सफर हो वहां तक जिस्म साथ साथ जाए। हाँ, कमाल रूह ये है
कि सिर्फ जिस्म ही साथ न जाए, जिस्म पर रिदा हो तो वो भी साथ साथ जाए, कदम में नालैन हो तो वो भी साथ साथ जाए। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिक्र मेराज का है, नारा हैदरी लग रहा है, ये हुस्न लताफत है, ये लताफत है। कल नामौजू नारा लगा था इसलिए टोका था मैंने। मेराज का जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के अबू तालिब और फर्जंद अबू तालिब दोनों का जिक्र ना हो। मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूं, तारीख पढ़ें। मेराज कहां से हुई, कितनी बार हुई, कब कब हुई, कोई नहीं। एक किताब सीरत हलबिया उठा के देख लीजिए। सीरत हलबिया में मेराज पर बहुत सफात लिखे गए हैं और उसमें ये तमाम अकवाल नकल किए गए हैं कि मेराज से मुतालिक एक कौल यह है कि कबल बेअसत मेराज हुई। कबल बेअसत अबू तालिब जिंदा थे या नहीं? हज़रत अबू तालिब की वफ़ात कब हुई है? कितने दिनों तक अबू तालिब के साए में नबूवत ने तबलीग की है? पहली बार जब मेराज पर तशरीफ ले गए रूह बदन के साथ, मुकम्मल वजूद के साथ। तो रिवायत में है कि एक मरतबा देखा, मालूम है हज़रत अबू तालिब की कैफियत क्या होती थी? रातों में उठ उठ के देखते थे मेरे मोहम्मद पे को कोई गजंद तो नहीं पहुंची। रातों को उठ उठ के देखते थे मेरा पैगंबर, मेरा मोहम्मद, मेरा भतीजा, मेरा लाल महफूज तो है। एक मरतबा उठ के देखा, देखा बिस्तर खाली, परेशान हुए, परेशान हुए और कुछ देर तक परेशान रहे। फिर फौरन तमाम बनू हाशिम को जगाया, उठो मोहम्मद नहीं नजर आ रहे, उठो मोहम्मद नहीं नजर आ रहे। उसके बाद सबको कहा कि जितने कुफार कुरैश हैं बड़े बड़े जो मेरे भतीजे के दुश्मन हैं, सबके दरवाजे पर असलहे से लैस होकर जाके खड़े हो जाओ। क्या शजाअत है अबू तालिब की। तारीख इब्न वादह याकूबी उठा के देखें, तारीख का वाकया है का सबके दरवाजों पर जाके खड़े हो जाओ और मैं ढूंढता हूं, अगर मेरा भतीजा ना मिला तो एक भी जिंदा ना बचे। किस तरह अबू तालिब ने हिफाजत की है, किस तरह हिफाजत की है। और उसके बाद जनाब अब्बास से कहा जाओ तलाश करो। मकाम जी तवा तक गए, मकाम जी तवा तक जाकर पूछा, पुकारा, पुकारते थे या मोहम्मद, या अबुल कासिम, या मोहम्मद, आईनी आईना अंत आईनी, मेरे नूर नजर कहाँ हो। मकाम जी तवा पर बुराक से उतरे, चचा मैं हूं, कलेजे से लगा लिया, लाए हजरत अबू तालिब के पास, कहा बेटा कहां थे? कहा मैं बैतुल मुकद्दस गया था। चचा मैं मेहराज पर गया था, सुकून पैदा हुआ, इत्मीनान पैदा हुआ। और उसके बाद कहा सबको बुला लो। और भतीजे से मालूम है क्या कहा, ए बेटा तुम बैतुल मुकद्दस गए थे, अपनी जबान से ये वाकया न सुनाना, कहीं ये काफिर तुम्हें झूठा ना कहे। तुम ना सुनाना, मैं सुनाऊंगा इन्हें कि रात आज रात मेरा बेटा मेराज पर गया था। आज तक
ज़हन मुस्लिम मेहराज में शक करता है। अबू तालिब ने सुनते ही ये नहीं पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, क्या कह रहे हो, कहां बैतुल मुकद्दस, कहां मक्का? नहीं, अबू तालिब सिर्फ ज़ात पैगंबर का मुहाफिज नहीं है, सदाकत पैगंबर का मुहाफिज। कब बेटा, बेटा तुम ना बयान करना, मैं बयान करूंगा। और उसके बाद जब सुबह नमुदार हुई, सबको जमा किया, सबको बुलाया और कहा, ऐलान किया, सब सो रहे थे बेखबर ना, अबू तालिब की शजाअत देखो, जुरत देखो, हिम्मत देखो, हौसला देखो, बुलंदी देखो, वकार देखो, हैबत देखो, दबदबा देखो। बड़े बड़े सूरमाओं को सब जब जमा हो गए, कहा तुम्हें मालूम है आज रात क्या हुआ? आज मेरा बेटा मेरी निगाहों से ओझल हो गया था। देखिए कहने के तरीके होते हैं, सलीके होते हैं, पैगाम देने का तरीका होता है, यानी फरमा रहे थे बार बार होता था ना ये मुतालिबा कि मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे किसी भी हसीन से हसीन तर, कवी से कवी तर, लायक से लायक तर जवान को कहिए हम आपके सुपुर्द कर देंगे, मोहम्मद को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। और अबू तालिब कहते थे तुम क्या करोगे? कहा हम कत्ल करेंगे। कहा हम तुम्हारे बेटे को ले के पालें और तुम हमारे बेटे को ले के कत्ल करो, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है? अब इंतहा तक बात पहुंची और अबू तालिब समझाना चाहते हैं कि देखो मेरी जुरत कितनी है, मेरी शजाअत कितनी है, मेरी शहामत कितनी है, मेरा हौसला नुसरत पैगंबर के लिए क्या है। का आज रात मेरा बेटा आंखों से थोड़ी देर के लिए ओझल हो गया, तुम्हें खबर है क्या हुआ? मैंने अपने जवानों को तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा कर दिया था, अगर मेरा बेटा न मिलता तो आज तुम जिंदा सलामत उठते नहीं। इस जिक्र के बगैर मेराज का तस्किरा पूरा हो सकता है? अब जो कहते हैं कि मेराज जिस्मानी नहीं थी, उनके लिए ये रिवायत जरूरी है, अगर जिस्म गायब नहीं हुआ था तो अबू तालिब परेशान क्यों हो गए? उसके बाद कहा फिर मेरा बेटा मिल गया, और मालूम है कहाँ गया था? मेराज पर गया था, इसके रब ने इसे बुलाया था, बैतुल मुकद्दस तक गया, मेराज तक गया और वापस आया। और सब सुन रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जो अबू तालिब को झूठा कहे। मुस्तफ़ा को नऊज़ बिल्लाह झूठा कहना तो दूर की बात है, किसी में हिम्मत नहीं है जो अबू तालिब के शान में गुस्ताखी करे। सब सर झुका के सुनते रहे। पहला मसदर मेराज का कुरान, पहला रावी मेराज का खुदा, दूसरा रावी मेराज का अबू तालिब। इल्मे रिजाल मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अबू तालिब का तज़किरा ना हो जाए। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आज की तकरीर यहीं पे रोकता हूँ। देखा अबू तालिब की शजाअत, देखा उनकी जुरत, देखा दरवाजों पर खड़ा कर दिया था ना अपने जवानों को, खड़ा कर दिया था। यही मंज़र, इससे मिलता जुलता मंज़र है जब हुसैन मदीने से चल रहे हैं। जब जन्नत के सैयदो सरदार से एक लईन ने, एक मलऊन ने बैत तलब की,
कुजा सैयद सरदार जन्नत, कुजा मुतालबा बयात। फैसला सब यहीं हो, लोग सियासियात, समाजियात, हिस्ट्री, फिलासफी ऑफ हिस्ट्री, फलसफे तारीख, खुदा मालूम क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं। सादा सी बात है, अल्लाह के रसूल ने जिसे जन्नत का सरदार कहा, किसी बड़े से बड़े उम्मती की भी, किसी बड़े से बड़े मुत्तकी की भी मजाल हो सकती है कि कहे आप मेरे हाथ पे बैत करें। सादा सी बात, बहुत सादा सी बात। और इस हदीस में किसी को शुभा नहीं है, कोई शुभा नहीं है कि कोई कहे कि यह हदीस नहीं है, यह आपकी मनगढ़ंत हदीस है। नहीं, हुजूर का ये इरशाद तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने नकल किया है। हुसैन से तलब बयात की गई, दारुल इमारा में बुलाया गया, हुसैन तन्हा नहीं गए, साथ में कुछ जवानों को लेके चले और उन जवानों को दरवाजे पर रोक दिया। कहा मुझे बुलाया है तन्हा, मैं अंदर जाता हूँ, तुम दरवाजे पर ठहरो, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो बेशक तुम अंदर आ जाना। ये मुहर्रम की इब्तदाई तारीखों में बयान किया जाता है, आप सुन चुके हैं, लेकिन जुरत देखें, ये सब कौन थे? वही थे जिनकी रगों में अबू तालिब का लहू मौजदन था, वही थे। सरकार अंदर तशरीफ़ ले गए, गुफ्तगू हुई, एक मंजिल वो आई जब आवाज़ बुलंद हो गई और कहा तेरी मजाल है कि मुझे कत्ल करे। आवाज़ का बुलंद होना था कि हज़रत अबुल फजल अब्बास ने एक एड़ मारी, एक ठोकर मारी, दारुल अमारा का दरवाज़ा खुल गया, अंदर दाखिल हुए, कब्ज़ा शमशीर पर हाथ। आका किसी ने गुस्ताखी की? कहा नहीं भैया, अभी अभी नहीं, सब्र करो। हैबत अबू तालिब गोया मुजस्सम हो गई अब्बास की शख्सियत में, भैया अभी नहीं, वापस चले। अजरकुम अल्लाह। ये तारीख़ शहादतें बयान करने की नहीं हैं, लेकिन हर वाक़े में एक सबक पोशीदा है, एक सबक पोशीदा है। ये जुमला था ना कि क्या तेरी मजाल है कि मुझे कत्ल करे, कत्ल का ऐलान हो गया था ना, कत्ल का इरादा ज़ाहिर हो गया था ना, कातिल को कत्ल कर देने में कोई जुर्म तो नहीं था? जो कत्ल के इरादे से हमला आवर हो रहा हो, जो कत्ल का इरादा रखता हो, उसे कत्ल कर देने में कोई जुर्म तो नहीं है? लेकिन नहीं, सरकार सैयद शुहदा ने हमेशा ये बात सामने रखी, हम अपनी तरफ से आगाज़ नहीं करेंगे, हम जंग का आगाज़ अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अब्बास के जज्बात पे पहरे भी बिठा दिए। हाँ, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में तो दुश्मनों ने अज़राह ज़ुल्म हथकड़ियाँ डाल दी थी, लेकिन जब कोई नहीं रह गया, और एक मरतबा हज़रत अब्बास ने मुअद्दबाना अंदाज से पूछा आका अब वो लश्कर कहाँ है मैं जिसका सरदार हूँ? इसका जवाब आका के पास नहीं था, इसका जवाब नहीं था। आका ने इजाज़त दी, मगर किस अंदाज से इजाज़त दी? लड़ने की इजाज़त दी, जंग करने की इजाज़त दी, एक हाथ में अलम और एक हाथ में सकीना की मश्क, सूखी हुई मश्क, एक हाथ में अलम और एक हाथ में मशकीज़ा। अब ये वफ़ादार क्या जंग करता? अंजाम आसरे आशूर तक पूरा काफिला या ज़बह हो चुका था या असीर। हाँ, 10 मुहर्रम को सन 61 हिजरी में सरकार सैयदुश्शहदा अपने साथियों के साथ जाम शहादत नोश फरमा के जलती हुई रेत पर सो गए अबदी नींद। और उसके बाद बीवियां असीर हुईं, खैमे जलाए गए,
पूरी रात सैयद सज्जाद ने एक सजदे में गुजारी। 11 मुहर्रम को बेकजावा ऊँटों पे सवार की गई बीबियाँ, मिहार नाका सैयद सज्जाद के हाथों में दे दी गई। पाँव में बेड़ी भी है, हाथों में हथकड़ी भी है, कमर में लंगर है, गले में खारदार तौक, और इस पर इजाफा भी कुछ लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया है, और साथ में मिहार नाका भी है। और उस तरफ से ले जाया गया है कि जहां एक तरफ जंजीरों में जकड़ दिया गया कि तड़प ना सके, और एक तरफ उस तरफ से ले जाया गया कि तड़पने पर मजबूर हो जाए। नतीजा जाहिर है, जो कश्मकश हुई ऐसा लगता था कि रूह जसद अंसुरी से मुफारकत कर जाएगी। ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा मैं क्या देख रही हूं, मैं क्या देख रही हूं, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रूह जसद अंसुरी से मुफारकत कर जाएगी। जवाब दिया, फूफी अम्मा आप ही इंसाफ फरमाएं, ये कैसे मुमकिन है कि जवान बेटा जिंदा हो और बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रह जाए। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। ये गिरिया ये नफ्स का तज़किया करता है, ये रिजालुल्लाह की मोहब्बत पे, ये रिजालुल्लाह की मोहब्बत पे तहजीब नफ्स करता है। ये गिरिया बहुत अहम है, ये ज़िक्र खुदा है, ये ज़िक्र रसूल खुदा है। हाँ, ज़ैनब ने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं करबला में। मेरा पुराना जुमला है, जो मैदान गदीर में रसूल ने अंजाम दिया था वो कार्य रिसालत ज़ैनब ने करबला में अंजाम दिया है। गदीर में अली अव्वल की विलायत का ऐलान था, करबला में अली सानी की इमामत का ऐलान। ये ज़ैनब ने इमामत का ऐलान किया, बेटा तुम इमाम वक्त हो, संभालो अपने को, मैं क्या देख रही हूँ। और सिर्फ इमामत का ऐलान नहीं किया, इमामत का वस्फ भी बताया, इमाम का मर्तबा बताया, अल्लाह के लुत्फ़ करम से इमाम को जो उलूम हासिल होते हैं वो भी बताया। इसलिए कि दूसरा मुकालिमा अजीब व गरीब है, दूसरा मुकालिमा ये है, जब वहाँ से आगे बढ़ा काफिला तो फिर फूफी ज़ैनब ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, तुम तो जानवरों की ज़बान भी समझते हो। ये एक वस्फ इमामत है, ये एक वस्फ इमामत है, बेटा तुम इमाम वक्त हो, तुम तो जानवरों की ज़बान भी समझते हो। ये बताओ ये ऊँट आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और उस वक्त इमाम ने कहा, फूफी अम्मा ये आपस में एक दूसरे को नसीहत कर रहे हैं कि देखो संभल संभल के चलो, रास्ते में बड़ा नशेब व फराज है, हमारी पुश्त पर आले रसूल को सवार किया गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा गिर के हलाक हो जाए। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा गिर के जख्मी हो जाए, हलाक हो जाए। हाँ, इमाम से ये जवाब सुना फूफी ने और कारवां आगे बढ़ा। जानवर तो जानवर ही थे ना, ऊँट थे, किस कदर संभाल के कदम उठाते। रिवायतों में है, रूह और जिस्म की बहस मैंने छेड़ी थी, फजाइल से मसाइब तक जहन मरबूत रहना चाहिए, फजाइल से मसाइब तक जहन मरबूत रहना चाहिए। रूह बदन से कभी जुदा नहीं होती, हर मर्तबे में, हर मर्तबे वजूद में रूह उस मर्तबे वजूद के मुताबिक बदन रखती है। ये जिस्म मादी जुदा हो जाता है लेकिन रूह किसी न किसी शक्ल में मुतमस्सिल होती है। ये कल फिर इसकी वजाहत करूँगा, लेकिन इस वक्त याद रखें, इसलिए कि एक रिवायत मसाइब की पढ़ रहा हूँ, और ये रिवायत यह है कि अब जो जानवर आगे बढ़े तो मंजिलों में एक मंजिल ऐसी आई
कि जानवर चलते चलते रुक गए और कहते हैं आका का सर जो नोके नैजा पे था वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। बड़ी कोशिशें हो रही थी कि अब वो नैजा आगे बढ़े मगर बढ़ता नहीं था। जालिम ताजियाना लेकर फिर सैयद सज्जाद के पास आया, तुम ही बता सकते हो तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। सैयद सज्जाद आगे बढ़े और पूरे काफिले का जायजा लिया और कहा फूफी अम्मा, अरे वो बाबा की 4 साल की बच्ची काफिले में नहीं है। सुन सकोगे अजीजो वो बच्ची क्यों नहीं थी? सुन सकोगे शकावत की मंजिल क्या थी? चूंकि ये 4 साल की बच्ची हुसैन के सीने पर सोती थी इसलिए दुश्मनों ने एक तन्हा बेकजावा ऊंट पर बच्ची को सीने के बल लेटाया और उसे रस्सियों से बांधा। जब ऊंट चलता था बच्ची की पसलियां जख्मी होती थी और वो पुकारती थी हाय बाबा हाय बाबा, अरे पसलियां टूटी जा रही हैं। ये बच्ची रास्ते में गिर गई ऊंट से और काफिला रुका। अब जैनब और सज्जाद दोनों बच्ची को तलाश करते हुए आगे बढ़े, देखा वन में एक बीबी बैठी है और गोद में बच्ची है। जैनब आगे बढ़ी, बीबी आपका शुक्रिया, अरे हुसैन के यतीमों पर कोई रहम करने वाला नहीं है। बीबी ने नकाब रुख उल्टा, बेटी मेरा शुक्रिया अदा न कर, मैं तेरी माँ फातिमा इन्ना लिल्लाह। अजरुकुम अलल्लाह, खुदा आपके नफूस को तहारत अता फरमाए, खुदा आपको तौहीद व नबुवत की मारिफत अता फरमाए, खुदा हम सबको राह विलायत पर गामजन फरमा। माबूद बारे इलाहा हमें उलूम कुरान और मारिफ नबुवत से आशना फरमा। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहजीब मोहम्मद व आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। माबूद इंसानियत तड़प रही है, दुनिया बेचैन है, अपने अपनी आखिरी हुज्जत को इज़्ने ज़हूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत का परचम लहरा दे। इल्तिमास है कि एक मर्तबा सूरह हम्द की तिलावत फरमा कर मरहूम कर्नल सैयद शम्सुल हसनैन और उनकी मरहूमा बेगम को सैयद कमरुल हसनैन, सैयद फिदा हुसैन और उनकी बेगम मरहूमा को, सैयद नदीम हैदर मरहूम, सैयद नईम हैदर मरहूम और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूहों को ईसाल फरमाए।